नहीं चलेगी। क्या मामला है, क्या मामला है, जो महिला आज हम लोग महिलाएं के खिलाफ ज्ञापन देने आए हैं प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार। और जो महंगाई, जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और गैस सिलेंडर जिस तरह से लगातार 400 से लेके 500, 600, 700, 800 पे आ गए, आज 900 पे मिल रहा है और उस पर किसी ब्लैक में 1000 रुपये लोगों के लिए दिया जा रहा है। इसीलिए महंगाई के खिलाफ लोगों ने ज्ञापन दिया है। रसोई इतनी महंगी हो गई है, दालों से लेके सब्जी से लेके आम व्यक्ति इतना परेशान है कि वो रोज के माध्यम से रोज इतना कमा ही नहीं पा रहा है। सरकार में तो व्यक्ति को रोज का खाना मुश्किल पड़ रहा है, सच्चाई पूछो तो। और जो है महिलाएं जिस तरह से रसोई में सोचती हैं मैं क्या बनाऊँ, आज मुझको क्या बनाना है, तो इसी को लेके हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि महंगाई के लिए रोका जाए, कम किया जाए गैस सिलेंडर कोई कम। देखिए आपने देखा होगा जिस तरीके से इस देश में कच्चे तेल का रेट बहुत कम हो गया है। पहले 91 रुपये डॉलर प्रति बैरल था, आज वो 41 रुपये घटकर रह गया है। लेकिन मोदी और भारत की सरकार ने किसी भी तरीके का जो किसान को लाभ पहुंचता है सीधा सीधा डीजल के माध्यम से, जो हमारे मीडियम वर्ग के लोग हैं उनको पेट्रोल के द्वारा खरीद कर वो अपना वो चलाते हैं, ऑफिस जाना हो कोई भी, उसको लेकर देश की कमर तोड़ने का काम मोदी सरकार ने किया है और उसका डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं घटे हैं। इसी का हम लोग आज मांग करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का इस मंत्री विभाग का जो पेट्रोलियम मंत्रालय है उसका कोई भी आक्षेप नहीं है, कच्चे तेल का रेट कम होगा तो हमारी कंपनियां डीजल जो पेट्रोल रिफाइनरी कर रही हैं उसको जो है कम करेंगे। लेकिन कहा कि इस मंत्रालय का कोई आक्षेप नहीं होगा, जब तेल जो कंपनियां हमारी रिफाइनरी कंपनियां हैं वो कंपनियां जब कच्चे तेल का रेट कम होगा और उसको कम करने का काम करेंगे। लेकिन भारत सरकार की मंशा पे हम सवाल उठाते हैं, उनकी मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने 3 रुपए की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर ये साबित कर दिया है, ये भारत सरकार जो है, ये मोदी की सरकार जो है, ये उद्योगपतियों के दबाव में जो किसानों को लाभ पहुंचना चाहिए, मध्यम वर्ग के लोगों को इसका लाभ पहुंचना चाहिए, उसको लेकर वो गंभीर नहीं है, उनकी कमर तोड़ने का काम कर रही है। हम मांग करते हैं भारत सरकार से कि या तो आप डीजल और पेट्रोल के दाम करो, कम करो, नहीं वरना गद्दी छोड़ो, आपका कोई अधिकार नहीं है इस सीट पर बने रहने का, क्योंकि जो किसानों के हित की बात नहीं कर सकता, जो नौजवानों के हित की बात नहीं कर सकता, वो इस सरकार चलाने का उसको कोई अधिकार नहीं है। हम मांग करते हैं। और आपके जनपद, आपने देखा हुआ हमारे जनपद में मीरगंज तहसील में किसान ने आज आत्महत्या करी है, उसकी फसल बर्बाद हो गई, उसके पास कर्जा था, बैंक वाले उसको परेशान कर रहे थे और उसको लेकर उसको आत्महत्या करना पड़ी। आज भारत सरकार NRC और CA कानून लाकर इस देश को भटकाना चाहती है, जो हमारा किसान जो आत्महत्या करने को मजबूर है, हमारा नौजवान रोजगार मांगने के लिए लाठी खाने को तैयार है, उसको लेकर चिंतित नहीं है, गंभीर नहीं है। इसकी हम मांग करते हैं, अगर इसकी पूरी समस्याओं का समाधान अगर शासन और प्रशासन ने नहीं किया तो हम कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे और इसके जिम्मेदार स्वयं शासन और प्रशासन होगा। हमारी मांग है किसानों के साथ हित का काम होना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। क्या मामला है जो ज्ञापन दिया? जैसा कि आपको मालूम है पूरे देश में हंगामा ड्रामा करने के बाद महंगाई के नाम पर ये लोग सत्ता में काबिज हुए, आज जब से सत्ता में काबिज हुए लगातार ये डीजल पेट्रोल और गैस के दामों में बढ़ोतरी करे जा रहे हैं। छुपके छुपके 435 रुपये का सिलेंडर था हमारी कांग्रेस की सरकार में, आज 850 रुपये का 750-950 रुपये तक सिलेंडर पहुँच चुका है। आज जो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे 97 डॉलर प्रति बैरल जो कच्चा तेल हुआ करता था, आज इस सरकार के अंदर आज की डेट में कच्चे तेल की कीमत 41 डॉलर प्रति बैरल है और ये आधे दाम होना चाहिए सरकार में। लेकिन हमको लगता है पूरे देश की सरकार को अडानी अंबानी और चला रहे हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये इस देश को चलाना चाहते हैं। ये पूरा देश अडानी और अंबानी को गिरवी रख चुके हैं और लगातार उनको फायदा पहुंचाने के लिए इस देश की जनता के खून पसीने की कमाई को इकट्ठा करके मोदी और अंबानी को देना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ लाखों लाखों करोड़ के कर्जे जब अंबानी के माफ़ हो सकते हैं, अडानी के माफ़ हो सकते हैं, हजारों करोड़ रुपया लेकर यस बैंक का मालिक राणा कपूर भाग सकता है, ललित मोदी भाग सकता है, तो हमारे किसान जो आज आत्महत्या कर रहे हैं कर्जे के लिए, जिन पर 10,000 और 20,000 का कर्जा है, उन्हें प्रशासन परेशान करता है, उन्हें तहसील परेशान करती है। ये कौन सा नियम है कि जनता को परेशान करके आप पूंजीपतियों को भरना चाहते हैं? ये देश की सरकार भ्रष्टाचारी है, ये देश की सरकार केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को गुमराह करके भ्रष्टाचार का बड़ा बड़ा घोटाला करना चाहती है, कर रही है।
जब जब बड़ा घोटाला होता है, येस बैंक का घोटाला हुआ तो आपने मध्य प्रदेश सरकार पर लगा दिया लोगों का ध्यान, जब आपने दिल्ली दंगा कराया तो आपने कोरोना पर ध्यान लगा दिया। ऐसी तरह से ये लोग ध्यान भटकाने का काम करते हैं, देश को गर्क में जाने का काम करते हैं। हम निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और ये चैलेंज करते हैं कि तेल के दाम अगर आधे नहीं हुए तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी, आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, चुप नहीं बैठेगी।